आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। ये क्वेश्चन में हम लोग को दिया गया है कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, एक कॉनिकल पेंडुलम का बात कर रहे हैं हम लोग, उसका लेंथ कितना है 10 मीटर है और उसका बॉब का मास है 50 ग्राम। ऑलराइट, एंड ये जो स्ट्रिंग है वो जब ये वर्टिकल से कितना एंगल बनाते हैं, 30 डिग्रीज बनाते हैं। राइट, एंड बॉब कवर्स वन रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन 3 सेकेंड्स में कवर करते हैं, एक रेवोल्यूशन 3 सेकेंड्स में कवर करते हैं, मतलब उसका जो टाइम पीरियड है इट इज़ इक्वल टू 3 सेकेंड्स हम लोगों को दिया गया है। देन द करस्पॉन्डिंग सेंट्रिपिटल फोर्स, ये बॉब के ऊपर सेंट्रिपिटल फोर्स कितना एक्ट करते हैं, ये है हम लोग का क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम लोग पहले एक डायग्राम बना लेते हैं। ओके, तो सपोज ये पॉइंट से हैंग किया गया है हम लोग का कॉनिकल पेंडुलम। राइट, तो ये क्या है, ये वर्टिकल है। ऑलराइट, और ये है हम लोग का स्ट्रिंग जिसका एंड में क्या है, बॉब है। ऑलराइट, और ये जो क्या होगा, ये एक ऐसे हॉरिजॉन्टल सर्कल ट्रैवल्स करेगा ये जो बॉब जो है। राइट, एक हॉरिजॉन्टल सर्कल ट्रैवल्स करेगा। राइट, ऐसे एक हॉरिजॉन्टल सर्कल ट्रैवल्स करेगा। तो हम लोग अगर ले लेंगे इसका mg फोर्स w एक्ट करेगा वर्टिकली डाउनवर्ड्स। राइट, और ये जो स्ट्रिंग के ऊपर जो टेंशन है वो एक्ट करेगा ये डायरेक्शन में, और ये हम लोग का थीटा दिया गया है, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये हम लोग रिसॉल्व कर सकते हैं, इट इज़ नथिंग बट ये क्या है, ये थीटा है, तो ये थीटा हो जाएगा टी कोस थीटा, एंड ये क्या है, टी साइन थीटा। राइट, तो ये जो सेंट्रिपिटल फोर्स जो चाहिए ये जो सर्कुलर मोशन में अंडरगो करने के लिए, ये जो हॉरिजॉन्टल सर्कल में ये कॉनिकल पेंडुलम अभी अंडरगो करेगा, उसका सेंट्रिपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करते हैं, टी साइन थीटा प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स फॉर अंडरगोइंग दिस हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। राइट, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को फाइंड करना है सेंट्रिपिटल फोर्स। तो सेंट्रिपिटल फोर्स इज इक्वल टू, वी नो इट इज इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर। राइट, mr ओमेगा स्क्वायर है। इधर हम लोग को m दिया गया है क्वेश्चन में 50 ग्राम, और r हम लोग को फाइंड कर सकते हैं, एंड ओमेगा के लिए हम लोग को t दिया गया है, बॉब कवर्स वन रेवोल्यूशन इन 3 सेकेंड्स। राइट, देयरफॉर ओमेगा t दिया गया है हम लोग को, ओमेगा इज इक्वल टू 2π/T से ओमेगा हम लोग फाइंड कर सकते हैं यूजिंग दैट इंफॉर्मेशन। राइट, तो r हम लोग फाइंड करते हैं, r फाइंड करने के लिए ये जो थीटा डिग्री है, ये जो छोटा सा राइट ट्रायंगल है ये हम लोग इधर बना लेते हैं, ये क्या है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है। राइट, ये क्या है, 30 डिग्री थीटा, और ये है हम लोग का रेडियस ऑफ द हॉरिजॉन्टल सर्कल, ये जो हॉरिजॉन्टल सर्कल में अभी मूव करेगा उसका रेडियस है ये r। राइट, तो वी कैन से दैट ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज, साइन थीटा इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाय एल, और इधर से हम लोग को आर मिल जाएगा, आर विच इज़ द रेडियस, आर इज इक्वल टू एल इंटू साइन 30। एल क्या है, एल हम लोग को बोला गया है कि एल इज इक्वल टू 10 मीटर, देयरफॉर 10 साइन थीटा इज इक्वल टू 10 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 10/2 इज इक्वल टू 5 मीटर्स है रेडियस। हॉरिजॉन्टल सर्कल का जो रेडियस हम लोग को मिल गया 5 मीटर है। अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, FC कैलकुलेट कर सकते हैं, FC इज इक्वल टू m 50 ग्राम, 50 × 10⁻³ इंटू r इज इक्वल टू 5 मीटर्स इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 4π² डिवाइडेड बाई 3² 9। राइट, ऑन कैलकुलेटिंग हम लोग को ये मिलेगा, इट इज इक्वल टू 1096.6 × 10⁻³ इट इज इक्वल टू 1.096 newtons। ओके, सो अप्रॉक्सीमेटली हम लोग ऑप्शंस देखते हैं, ऑप्शंस में 1 न्यूटन आंसर है, देयरफॉर वी कैन से इट इज अप्रॉक्सीमेटली 1 न्यूटन। ऑप्शंस कौन सा हम लोग का सही हो जाएगा, ऑप्शन बी होल्ड्स द राइट आंसर। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।